कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर जमीन खरीद मामले में घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देश के लगभग हर घर ने राम मंदिर ट्रस्ट को कुछ न कुछ दान किया है, घर घर जाकर प्रचार भी किया है। यह लोगों की आस्था की बात है और इसके साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है, दलितों की जमीन को हड़पा जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करके सत्ता पक्ष के लोग उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रम में रखा जा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि राम मंदिर के लिए जो जमीन बनाई गई है उस पर बहुत बड़ा घोटाला योगी सरकार की तरफ से हुआ, यानी कि ये देखा जा रहा है कि एक और जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान राम के नाम पर वोट लेने की कोशिश कर रहे, तो वहीं दूसरी तरफ इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया जिससे आज योगी सरकार का काला चिट्ठा खुल गया है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।